गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा गुप्ता अगेन आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल आप स्त्री में। सो आज मैं अगेन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अनबॉक्सिंग ऑफ मीशो साड़ी, जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी सी साड़ियाँ हैं। और बेडशीट भी मैंने आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, उसकी भी अनबॉक्सिंग करूँगी आप लोगों के सामने। तो बिना डिले किए स्टार्ट करती हूँ और होप करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। सो जो भी प्यारे प्यारे लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको आपके लिए ले आ पाऊँ। सो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सो ये है मेरी फर्स्ट साड़ी, जो कि है येलो कलर की, और ये मॉम के लिए तीज के लिए मंगवाई है। सो ये देखिए गाइस, कैसी लग रही है आप लोगों को ये साड़ी, काफ़ी खूबसूरत मुझे लगी अकॉर्डिंग टू रेंज। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कैसी है, इसका फैब्रिक कैसा है। सो सबसे पहले मैं बता दूँ इसकी फैब्रिक के बारे में, तो इसका फैब्रिक बहुत ही प्यारा है, जॉर्जेट फैब्रिक है। और ये है साड़ी का आंचल, ये देखिए गाइस, ये है साड़ी का आंचल। पूरी साड़ी जो है प्लेन है और इस पर ये गोटा का काम किया गया है, और इसकी गोटा की जो फिनिशिंग है गाइस, ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्यारी है। और इस गोटा की वजह से साड़ी का जो है ना एक्चुअल जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये पूरी साड़ी जो है येलो कलर में है, और इसमें जो है ऐसे लाइनिंग लाइनिंग बनी हुई है गोल्डन कलर की, ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन बनाई गई है, ये आप देख सकते हैं। और उसके सेंटर में ऐसे छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाए गए हैं, जैसे चंदेरी लुक होता है उस तरीके की ये साड़ी का लुक है, पूरा बहुत ही खूबसूरत है। और मॉम को भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा, और ये मैंने मीशो से मंगवाया है। सो ये पूरी साड़ी 5.5 मीटर की है, और बहुत ही सॉफ्ट है, लाइट वेट है साड़ी। ये नहीं कि गोटा पट्टी की वजह से बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत लाइट वेट है। और ये ये साड़ी मुझे काफ़ी खूबसूरत लगी। और चलिए बात कर लेते हैं इसके ब्लाउज़ की। तो ये है इसका ब्लाउज़ दिया गया है, ये प्लेन इसका ब्लाउज़ दिया गया है, और ये 80 सेंटीमीटर का, ये पूरा बिल्कुल प्लेन है, तो अच्छा लगेगा अगर आप इसको स्टिच कराएंगे तो, नहीं तो इसके साथ तो रेड कलर का ब्लाउज़ भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ये देखें। सो ये साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी अकॉर्डिंग टू प्राइस, और बहुत ज़्यादा गर्मी में काफ़ी हैवी साड़ी भी नहीं वियर करते बनता है, तो इसी उस अकॉर्डिंग ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सो अब हम बात करेंगे अपनी सेकंड साड़ी के बारे में, जो कि है कैसी साड़ी है चलिए देखते हैं। इसकी कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आई है, इसके कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में है, और ये है ब्लैक कलर की साड़ी, ये भी मैंने जॉर्जेट ही मंगवाया था क्रिकेट का। सो ओपन करते हैं, ब्लैक कलर की है, बहुत खूबसूरत लग रही है मुझे। और इस साड़ी की बात करने से पहले हम बात करेंगे इसके ब्लाउज के बारे में, जो कि ब्लाउज का जो पीस है ना एकदम कंट्रास्ट दिया गया, पूरी साड़ी ब्लैक है, उसके साथ ये टेंजर रेड जो बोलते हैं ना इस कलर का ब्लाउज पीस दिया गया, जो कि बहुत अल्टीमेट लगेगा अगर इससे आप स्टिच कराते हैं इस साड़ी के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लगने वाला है, क्योंकि ये साड़ी का जो पीस है मुझे, जो ब्लाउज का पीस है मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा। ये पूरा दिया गया है 80 सेंटीमीटर ब्लाउज, और इसको आप प्लेन में भी स्टिच करा सकते हैं, इसको आप डिज़ाइनर भी जैसा भी आपको इस साड़ी के अकॉर्डिंग आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप इसको अपने अकॉर्डिंग स्टिच करा सकते हैं। ये रेड और गोल्डन कलर का जो है ये कॉम्बिनेशन है इस ब्लाउज़ में। सो मुझे ये ब्लाउज़ भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। तो अब बात करते हैं हम लोग साड़ी की। सो बात करती हूँ मैं साड़ी की, तो ये साड़ी देखिए, ये जॉर्जेट फैब्रिक है, और इसमें स्टार्ट करती हूँ मैं आंचल से। तो ये रहा हमारा आंचल, ये साड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, आप ट्रायल ऑन में देख सकते हैं गाइस कितना खूबसूरत। मैं इसको ब्लैक कलर के ब्लाउज के साथ वियर की हूँ। सो ये पूरी साड़ी तो प्लेन है, और यहाँ पे ये इस तरीके का जो ये पूरी साड़ी में ये रेड कलर की पाइपिंग की गई है,
ये देखिए गाइस, ये रेड कलर की पूरी साड़ी में पाइपिंग की गई है और बीच में इस तरीके से हॉरिजेंटल और गोल्डन कलर का जो ये मिरर लगाया गया है, ये बहुत चमकने वाला नहीं है, ये सटल गोल्डन है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इस साड़ी के साथ। तो आप इसको इजीली कहीं भी जा रहे हैं या किसी भी पार्टी में वेयर कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट है और इस साड़ी की जो लेंथ है वो 5.5 मीटर की है और ये साड़ी भी मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी और इसका प्राइस जो है 500 के अराउंड है। आई थिंक मुझे अभी क्लियर नहीं है, मैं आपको बताती हूँ इसका जो रेंज है इस साड़ी का। हाँ, इस साड़ी का जो रेंज है वो 549 है। 549 में मुझे ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट लगी और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो अगर गाइस आपको इनमें से कोई भी साड़ी पसंद हो तो मैंने उसके कोड को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप इजीली वहां से बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि मैंने उसकी उसमें की पहले ही बेडशीट मंगवाई थी जो कि बहुत ही अल्टीमेट आई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना दो बेडशीट और मंगवाई जाए और देखा जाए उसकी क्या क्वालिटी है। लेकिन फ़िलहाल तो मैंने जिस क्वालिटी का उस बेडशीट को मंगाया था, अगर आपने वो बेडशीट वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। मुझे वो बेडशीट बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लगी थी। सो चलिए करते हैं उसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं बेडशीट कैसे आई है। तो ये रहा मेरा थर्ड प्रोडक्ट और इसकी करेंगे हम लोग अनबॉक्सिंग। तो चलिए बिना डिले के बात करके ये रहा सीजर और इसकी हम लोग करेंगे कटिंग। बारे में पहले आपको डिटेल दे देती हूँ, फिर दिखा दूँगी उसको भी। तो ये कुछ इस तरीके का बहुत ही प्यारी पैकिंग है इसकी, एकदम जस्ट लाइक का बहुत अट्रैक्टिव पैकिंग है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और इसमें ये देखिए गाइस, ये दो प्यारे प्यारे से कुशन दिए गए हैं। इसकी जो ये जो इसके कुशन जो है वो स्क्वायर में है तो इसका जो लेंथ ब्रेथ है वो 12 इंच है और ये मुझे दो कुशन रिसीव हुए हैं इसके साथ। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही खूबसूरत सा इसका फैब्रिक है। और यहाँ पे इसके जो कवर दिया गया है उसमें इस तरीके का बहुत ही अच्छे क्वालिटी का ये इसमें जिप लगा हुआ है तो इसको आप ओपन कर सकते हो, बहुत ही प्यारा है। और ये देख सकते हैं अंदर जो कुशन दिया गया है वो बहुत ही अच्छे मटेरियल का दिया गया हुआ है, कुशन मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। तो अब बात करते हैं हम लोग इसके कवर की। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं कि जो मैंने बेडशीट लिया है वो क्वीन साइज़ एंड किंग साइज़ जो दोनों ही बेड पे आराम से आ जाएगा। तो ये है हमारा पीलो कवर जिसका जो लेंथ है ये 27 है और इसकी जो विड्थ है वो है 17 इंच। तो काफ़ी खूबसूरत है, आप इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि आपके पीलो की साइज़ क्या है एंड कवर आराम से आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो इसमें ये जीप लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। और इसका जो फैब्रिक है ना वो ग्लास कॉटन है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है। और सबसे पहली बात कि इसमें कोई इशू नहीं है कलर का, या कलर जैसे धुलने के बाद वॉश करने के बाद कलर का फेड वगैरह ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसका आफ्टर वॉश रिव्यू भी दूंगी अगर आप चाहेंगे तो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका आफ्टर वॉश वीडियो करूँ तो आप लोग मुझे प्लीज़ कॉमेंट करिएगा। तो ये है गाइस, ये देखिए इस पर ये पैरेट ग्रीन कलर है और ब्राउन कलर है, येलो कलर है, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है। ये इसमें जो डिज़ाइन दिया गया है वो डायमंड की तरह दिया गया है और बहुत ही खूबसूरत है और ऐसे वाइट वाइट डॉटेड दिया गया है। सो ये काफ़ी खूबसूरत मुझे लगा और बेडिंग के बाद तो अल्टीमेट लुक आ रहा है गाइस। तो चलिए मैं अब बात कर लेती हूँ इसके जो मेन है वो है बेडशीट। तो बेडशीट के बारे में बात करते हैं हम लोग। ये बेडशीट का जो लेंथ है वो 100 इंच है और जो विड्थ है वो 90 इंच है और काफ़ी खूबसूरत है ये बेडिंग। इसके बाद पूरे में ऐसे डायमंड सा जो डिज़ाइन बना है वो बहुत खूबसूरत है। एक तो डिफरेंट कलर का है, पैरेट ग्रीन कलर, ब्राउन कलर और येलो के साथ वाइट का मिक्सअप है तो काफ़ी अच्छा है। इसमें वाइट कलर के ऐसे डॉटेड लाइन जो है ना वो भी बहुत ही
खूबसूरत लग रहा है। सो और मैं इस बेडशीट के बारे में क्या बताऊँ, बेडिंग होने के बाद ना अल्टीमेट लुक आ रहा है, और कोई भी देखेगा तो ज़रूर एक बार पूछेगा कि मैम आपने कहाँ से लिया है। सो मुझे तो ये सारे कमेंट्स आए जब मैंने फर्स्ट बेडशीट परचेस की थी मीशो से। सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही रिजनेबल रेट है इसका। ये मुझे आई थिंक नहीं ये मुझे 640 का पड़ा, और 640 में आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज इसमें मुझे दो कुशन भी मिला, बेडशीट भी मिली और पिलो कवर भी मिला, और इसका फैब्रिक भी बहुत ही सॉफ्ट है और ग्लेस कॉटन है। सो मुझे किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर आप लोग को ये बेडशीट अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, और जो लोग मुझसे नए जुड़े मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ध्यान रखिए। ओके गाइज, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।